केन्द्रापड़ा सदर थाना अंतर्गत डुबीहुड़ा गाँव में एक अभावनीय घटना एक सात वर्ष शिशु को निकटस्थ एक चौरा पाखे खेलुवा बेले कई दुर्वृत्त निकटे अंगनवाड़ी घर को डाकि ब्लेड्रे तार बेक को काटी से भि शिशुर हाथ आंगुठी को पथर छेची फेरार हो जाए दुर्वृत्त शिशुटी गुरुतर अवस्था चित्कार करुवा शुनी स्थानीय लोक मैंने मार्सागाई गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनी शिशुटी बेक गभीर क्षत चिह्न सृष्टि गभीर क्षत लगी बेक केन्द्रापड़ा सदर पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करने सहित व्यवहृत ब्लेड एवं रक्त भिजा गामुछा जबत कर शिशुटी घर केन्द्रापड़ा सदर थाना अंतर्गत अटाभुआ गाँव में बुली जमापड़ी तेज से आठ दिन तले मामु घर टुबीहुड़ा को बुलवाक आसीला दुर्वृत्त को धरवाक चेष्टा चली वर्तमान पर्यंत कौन प्रकार अपडेट सामना को आसी पारनी बा दुर्वृत्त पाखे पहुँचवे सक्षम के ही पारना आसला मामुघर को टुबुरा टुबुरा आसला सी जाता खेलियापाई ता बेक कि गोटे ब्लेड मारदे पूरा बहुत बड़ा आकार घायण तो होती खाली खाली ब्लेड मार्ची ना कौन कर हाथ गोटा दी जगह छेची दे आभली हो मु जानी पुओ कहे मुझे लोक चिन्ह ना कहीपर घटना घटी चारिटा बेले अधिक अपडेट नाक प्रतिनिधि प्लावन स्वाई जोड़ी होती आम सहित प्लावन वर्तमान पर्यंत दुर्वृत्तों संपर्क में किसी तथ्य आसला कि जना पड़ा कि व्यक्ति जनक किए कारण जहाँ सूचना आसिकार किसी प्रत्यक्षदर्शी से बयान करुंटा किसी खेलुवा पाने बयान कर चिन्हती अंत एपर्त सका समय एपर्तंत यह घटनाटी कौन अपडेट आसला कि हाँ शिवर्ष आम कही रखा कि देखु जेहेतु पिलाटी वर्तमान कथा कही पारुनी जेहेतु बेकरे तीनोटी जगार ब्लेड मध्यम दुर्बृत जनक आक्रमण करा पिलाटी गुरुतर अवस्था वर्तमान गति करसाघाई स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती होती पिलाटी जहाँ ठारिकी कहला आम को देखा पर गणमाम को जहाँ बापा प्रतिक्रिया दौले कि पिलार कह मुताबक जड़े वयस्क लोक यह कांड घटाई आम कही रखा अपराह्न समय घटी जिते पाटी तार मामुघर मार देहांत होता देहांतर कर्म बा क्रिया को समापन करने नाबालक जनक आठ दिन तलु मामुघर को आसीला पर वर्ग सहित तार बापा तार बो मामुघर को आसते किंतु घटनास्थल पिलाटी मामुघर रही समय बापा बो गत कालीठू जो आम कही रखा डेरावीस ब्लक जो सदर थाना अंतर्गत जो अटाभुआ ग्राम अच्छी फेरी जाते पिलाटी आज अपराह्न समय चौरा पाखे खेलुला पिलाटी जहां अनुमान ठारिकी जहां कही पार जेहेतु कथा कह असमर्थ लगुच कष्ट अनुभव करुच्ची तेणु जड़े दुर्बृत जड़े अंगनवाड़ी घर भितर को नहीं अंगनवाड़ी घर भितर जिते पिलाटर नखु को फास्ट पथर मध्यम आक्रमण करते पार्टी की जोर जबस्ती माड़ बसी पिलाटी शिकार करा चाहिए सीर एक ब्लेड मध्यम बेकर तीनोटी जगार आक्रमण करते पिलाटी जिते जोर चित्कार कर दुर्बृत जनक घटनास्थल फेरार होता यह घटनाटी प्राय अपराह्न समय घटी प्लावन गोटे प्रतिक्रिया बोध हुए बापा प्रतिक्रिया जहाँ सामना को आसी एक कहते पुओ से लोकटी को जानी चिन्ही से अंचल बोल के अंत इंगित एति रोचर को आम एत कथ बुझीपु जो स्थानीय अंचल कौन लोक जी एक कांड घटाई दुईट आधार को जापर हे तो यही पिलाटी सहित तार पर सहित ये व्यक्ति कौन पुराणा शत्रुता थपे हे तो इंडिविजुअली बा व्यक्तिगत भाव से राग सुझेबार प्रयास बा मानसिक स्तर में कौन स्थिरता न थपे गोटे प्रकार कहपर मानसिक विकारग्रस्त थपरती मानसिक स्थिरता न थपे जो एभली एक कांड घटाई तो गाँ लोक अनुमान कौन कौच एभली घटना पूर्व से गाँव में घटी कि आचरण से गाँव में रही कि निश्चिंत आम कही रखा देखते जो दुई वर्ष तलक फेरी जा टुबीहुड़ा ग्राम से एक आउ एक अभावन घटना घटी केवल शिशु नुहे जड़े महिला को जो मारिकी गोटे बस्ता भितर पुरे नौते से ही समय गाँ लोक मैंने दुर्वृत्तों पाखु से महिला जनक महिला जनक शबटे को उद्धार करते गाँव में एक अप्रत्यक्ष परिस्थिति सृष्टि होता पुणी दुई वर्ष तेज से एक घटना घटी जो अंगनवाड़ी
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ ଏଇ ନାବାଳିକର ବେକଟାକୁ କଟାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ କହି ରଖିବା କି ଯେବେ ନାବାଳକ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି, ମଧ୍ୟ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହି ରଖିବା ଗତ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉ କି ଆଉ ଏକ ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ି ପରେ ଯଦି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ଲାବନ। ଏ ଘଟଣା କୌଣସି ନିକାଞ୍ଚନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଗାଁ ଭିତରର ପରିବେଶ ଆପଣ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ରହିଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଯେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ନଥିବ ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଆଚରଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। କିଛି ନହେଲେ ଲୋକ ତ କାହାର ଆଚରଣକୁ ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକ କରିଥାଇପାରେ ବା ଏଇ ଲୋକର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥାଇପାରେ, ଏ ବାବଦରେ କିଛି ତ ଆଲୋଚନା ହଉଥିବ ଗାଁରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ରକ୍ତ ଭିଜା ଗାମୁଛାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରକୃତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ସଦର ଥାନା ତରଫରୁ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇ ଘଟଣାଟି କିଏ ଘଟେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ସାତ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ସେମିତି କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅନ୍ତତଃ ପୋଲିସ ଅଟକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ଲାବନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ଲାବନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ଲାବନ ସ୍ୱାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ରଖୁଥିଲେ।